सीएम मुजफ्फरगढ़ कैप्टन रिटायर तारिक वलैत ने डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी की सालाना मीटिंग की सदारत की। रमजान उल मुबारक की आमद के हवाले से जिला कौंसिल में मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस पर रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे बाकिर हुसैन जी। हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिसर मुजफ्फरगढ़ कैप्टन रिटायर तारिक विलायत ने जिला कौंसिल में मुनक़द अमन कमेटी की मीटिंग की सदारत की, जिसमें तमाम कमेटी के मेंबरान शरीक हुए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिसर मुजफ्फरगढ़ का कहना था कि हकूकुल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद भी ज़रूरी है। उलमा को चाहिए कि मजहबी रवादारी और हकूकुल इबाद पर लोगों को आगाह करें। अल्लाह ताला ने उलमा इस्लाम को बहुत बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। आप लोगों को माशर्ती और माशी बुराइयों से रोकने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लोगों को अमन व सब्र और बर्दाश्त के साथ साथ एक दूसरे के ख्याल रखने का जज्बा भी उजागर करना चाहिए। मीटिंग में ADC एहसान उल हक और मुंतजिम खालिद मक्की ने भी शिरकत की। आखिर में मुल्क पाकिस्तान की सलामती और रमजान उल मुबारक के बाबरकत महीने में अमन व अमान के क्याम के लिए दुआ कराई गई। जी।